ब्रेक रो स्वागत। एसीपी सत्यजित मिश्र निलंबित विवाद मंतव्य देवा जोगु सत्यजित को निलंबन करिसेंती पुलिस डीजी बाल्यापाल आईआईसी का आक्रमण परे राज्य रे पुलिस असुरक्षित बोली मंतव्य देथिले सत्यजित पुलिस को सुरक्षा पाई मध्य से दाबी करथिले। पुलिस संघर सभापति थिबा सत्यजित मिश्र कटक रे एक सांबादिक सम्मेलन करी एहा कहिथिले। एसीपी का मंतव्य ने गृह विभाग खपा होइथिला। कोर्टे हाजर हेबो सीरियल किलर कटक रे 24 घंटे तीन जन को हत्या मामलार अभियुक्त नारायण साहू को आज कोर्टे हाजर करा जिवो। नारायण को गिरफ परे तीन दिन धरे ताकु पचराउचरा करूथुला मंगलबाग थाना पुलिस आज ताकु कोर्टे हाजर करा जिवो। गाड़ी शोरूम रे लूट भुवनेश्वर जगन्नाथ सड़क रे थिबा एक गाड़ी शोरूम रे होई छी लूट। लुटेरा आक्रमण रे महिमा मोटर्स मालिक एवं दुई ग्राहक आहत होई। गाड़ी किणवाक आसीथिबा बिक्की शर्मा एवं असीम पाल ठारु 2 लाख टंका लुटी नेछंती लुटेरा। लूट घटना रे 5 जन लुटेरा सामिल थिले। सेपटे मंचेश्वर थाना रे एने अभियोग होई छी। नाटकीय ढंग रे चलीथा लूट तराज पूरा नाटकीय ढंग रे चलिया बेले एमाने पहुंचीथिले जो माने ग्राहक अच्छा तांकर आक्रमण आम कहूँ महिमा मोटर्स कथा पूरी जो बाइपास रही जो भुवनेश्वर पूरी रास्त एभली गोटे घटनाक्रम घटला जो थे शिकार अच्छे दुई जन आज्ञा कौन रही मोटामोटी घटनाक्रम जी आप कड़े जाते कौटी जाते कौन एमती काम था मुझ गाड़ी परचेज करने जा गाड़ी परचेज करने जा देख से बड़े आपन को से शोरूम रु आगु लुट मार चली आम जितकी बड़े पिस्तल देख लु हॉकी स्टिक देखना से आम दौड़ करी बैक आम जमी बैक आसुनु से मैंने आम फ्लो कले बाइक रे घटके रास्त हाड़ी कर सहयोगी भाव में एक आप देखुले मोटामोटी कई जन युवक से कि भाव में पूरा फिल्म स्टाइल रे चली घमाघट से कार्यक्रम आपठी पांच जन थे दीटा बैक रे गोटे केटीएम और गोटे पल्सर बैक रे आउ से माने से शोरूम रे लूट मार चलैथिला बेले आमे से टाइम रे जाई पहुंची थिलु से आमर बैग देखी कि से हमको मारी एवं रिवॉल्वर छटेई कि बैग नहीं कि से माने पळैले। अच्छा केते टंका थिला आपन को पाखरे आपन तक बैग फोपाड़ी देले ना आपन को छड़ै नै गेले से माने आमे बैग को मु मो सांग को बैग ता फोपाड़ी बेले बेल को से बेले ता ऊपर मारात्मक भाव रे आक्रमण करले तापर मते आक्रमण कलापर बैग छोड़े नहीं कि पड़े मोटामोटी शुणुले कि प्रतिक्रिया रही पूरा असुरक्षित होती राजधानी गोटे कमिश्नर पुलिस पर एक बड़ गोटे बिग चैलेंज यही गोटे दिन तीन तीन घटना घटला पुलिस रही सजग रही पुलिस आवार करपटे विभिन्न कार्यक्रम करुच्ची आम संपूर्ण भाव में लोक सुरक्षा दूचु कि पुलिस गोटे बड़ चैलेंज हो घटनाक्रम दंपति को लुट करते ये लुट कले हाणिले मारदेपाई उद्यम करते कि एफआईआर देखते देखा जाऊ पुलिस भूमिका पर कौन रही कि भाव में लुटेरा धरू भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन राजेश विश्व सुमंत सुंदर राय रिजेट मीडिया। राजधानी में पुणि राति अधिया आक्रमण एथर टार्गेट पलटिंट होटेल मालिक भुवनेश्वर तृप्ति होटेल मालिकों ऊपर गत राति मरणातक आक्रमण रसुलगढ़ पालामंडप छक सुना चेन लुट पर होटेल मालिक बुलू सामंतराय आक्रमण करते दुर्वृत्त धारुआस्त्र में हाणवा सहित सुना चेन लुटी फेरार हो जाती दुर्वृत्त। रायगढ़ 15 शिशु श्रमिक उद्धार होती ऑपरेशन मुस्कान अभियान रे टाउन पुलिस सहर विभिन्न होटल लॉज एवं फास्टफुड दुकान उपर चढ़ऊ कर 15 जन शिशु श्रमिकों उद्धार करे। शिशु श्रमिक माने रायगढ़ जिलार काशीपुर कोटपटा रायगढ़ सहर बोली जमापड़ी पुलिस एवं उद्धार कर चाइल्ड लाइन रिमा दे जांच पर परिवार लोकों हस्तांतर कर सूचना दि जाए। नवरंगपुर में सुधुरी बन्या स्थिति पानी कमी कमी आसुवा बेले वर्षा आरंभ होइतबारो पुणी दुर्दशा बढ़ी। नवरंगपुर कोसागुमड़ा ब्लॉक तीनटी गाँ बन्या घेर रही अन्य पांचटी गाँव रु पानी छाड़ी लगाण वर्षा कोसागुमड़ा ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति देखा दे। मालकानगिरी में बन्या स्थिति रे सुधार आसी जिले में वर्षा कमी बन्या स्थिति रे सुधार आसी पोटेरु कांगुरकोंडा कालीमेला कन्याश्रम पोल उपरे जो पानी चलुला ताहा कमी जाइछे। मालकानगिरी कालीमेला गाड़ी चलाचल स्वाभाविक होइछे। पांगमा कोरुकोंडा पोलर जलस्तर मध्य कमी
जलबंदी थिबा गाँव गुड़िक जलस्तर कमिबा जोगु लोकों जीवन जीविका धीरे धीरे स्वाभाविक हेउछि। एपटे दाना बांधुच्छे आउ एक लघुचाप अगस्ट 4 रे उत्तर पूर्व बंगोपसगर में सृष्टि हेबो पुणी एक लघुचाप प्रभाव में 2 तारीख रु ओडिसा रे वर्षा बढ़िबो। 4 दिन धरी सारा राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी अगस्ट 3 और 4 तारीख पई ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय दुर्बल रहिला तेणु जुलाई 31 रे लघुचाप बलय सृष्टि हेबाने जो आकलन करा जाउथला ताहा होइ परिनि। तेबे 4 तारीख पूर्व बंगोपसगर में लघुचाप सृष्टि हो पारे प्रभाव में ओडिशा छत्तीसगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना अधिक रही। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा उपरे अधिक रहिबो। कोरापुट कलाहांडी मालकानगिरी गजपति गंजाम सुंदरगढ़ मयूरभंज एवं बरगढ़ केतेक स्थान में 2 तारीख रु प्रबल वर्षा आरंभ हो 48 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा समेत पुरी गंजाम जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक वर्षा बढ़िबो बोली आकलन कर। गत 12 घंटा मध्य सुंदरगढ़ में 10 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड कर। बालेश्वर चांदबाली झारसुगुड़ा केन्दुझर संबलपुर हीराकूद भवानीपाटना बलांगीर कोरापुट और मालकानगिरी में स्वल्प वर्षा होता पाणीपाग केन्द्र कही। ओडिशा नेक्स्ट 24 से अगला 3 दिन तक अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मेनी प्लेसेस और कुछ कुछ जगह में आपका होगा। बाकी हैवी रेनफॉल का अभी अगला 3 दिन तक चांसेस नहीं है, बट 3 दिन का बाद फिर ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। फोर्थ से मैंने थर्ड से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी चांसेस है, ठीक है। फर्स्ट लो प्रेशर एरिया अराउंड 4th अगस्त होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसके बाद से फिर रेनफॉल एक्टिविटी थर्ड से इंक्रीज होगा नॉर्थ बे पर। हीराकूद जलभंडार जलपतन में सामान्य वृद्धि घटी। मंगलवार सका 9 सुधा जलभंडार जलपतन रही 569.23 फुट। केवल चाष जमी केनाल जल छड़ा जाता बेले पावर चैनल दे जल निष्कासन संपूर्ण बंद रही। फल हीराकूद ड्यम्रु जल विद्युत उत्पादन बंद रही। उपरमुंड में दिने 2 दिन वर्षा लग रे जलभंडार जलपतन वृद्धि हो आशा कर। July 16 ओडिशा एभली एक चित्र आसला जहाँ दोहलाईदेला आम विधि व्यवस्था एवं सरकार को। जाजपुर जिला सुकिंदा खणी उपत्यकार पहाड़ घेरा एक इलाकार दृश्य राज्य विकास छवि को मलिन कला। से पहाड़ खोलर ना थिला नगड़ा संपूर्ण अविकसित से अंचल अपपुष्टि एमती पंझा मेलाइला जे आखि बुझे जनक पर जड़े 22 शिशु। 3 वर्ष तले नगड़ा पई हाथ खोली देथिले सरकार मालमाल योजना सांग को हेला अनुदान वर्षा। 3 वर्ष पर केमिति अछि नगड़ा विकास बाट आग को बढ़ी ना अटकी जाइछि आसुन देखिबा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दिने नगड़ार नग्न रूप दोहलाई देथिला सारा राज्य को। भोकरे आउटु पाउटु शैशव पहाड़ खोलरे पेशी होई पाषाण प्राय पलटि जाइतिबा जीवन उपकूलर छवि को करिथिला धूसर। वर्ष वर्ष धरि अनाविष्कृत अनालोचित होई रही आसिथिबा नगड़ा सबु गणमाध्यमर शिरोनामा मंडन करिबा परे असंभव तत्परता देखाइथिले राज्य सरकार। नगड़ा पाई हला विकासर लंबा नक्सा। 3 वर्ष बीती गलाणी केमिति अछि नगड़ा आसंतु देखिबा। नालिया डाब तुमुणी उपर नगड़ा मझी नगड़ा तल नगड़ा मोट 94 परिवार भितरु 86 परिवार को दिया जाइछि बेजु पक्का घर। व्यवस्थित लागुछि जनजाति जुआंगंक बसती पक्का घर रे परिणत होइछि अधिकांश झुंपुड़ी। किंतु पहाड़र पादेश अशोक झर ठारु उपर नगड़ा को 7.5 किलोमीटर पिचु रास्ता एजाए संपूर्ण हो पारिना। जो कि बाट रास्ता या बर्षार धोई जाइए आवड़ा खबड़ा रास्ता पूर्वर पहाड़ धार ठार भी कष्टकर हो पड़ी। सेपटे भांगिरुजी गला पीवा पानीर व्यवस्था पुणी झरणा और चुआपा पीबारे लगिले नगड़ा बासिंदा। बिजुली पाई तारटणा सह घरे घरे मीटर बसी किंतु विद्युत संजोग हो पारिना। पुणी पारंपरिक जीवनधारा को फेरी जाइछंती जुआंग आदिवासी।
ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏଇନା ବର୍ଷା ହେଇକିନା ରାସ୍ତା ସବୁ ଖରାପ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏଇନା ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବେ ହଉ ନାହିଁ, ସେମିତି ତୈଳ ବାଳି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଆଉ କିନା ଭୋକରେ ମରିଛୁ, କିଣା ଚଳିବି, ଆଉ ତୁଣୁ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ନାହିଁ, ବିପିଲି ଚାଉଳ ଦେଉଛି, କାଲି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ହଉ ନାହିଁ। ନଗଡ଼ାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 462, ସେ ଭିତରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 226। ଅପପୁଷ୍ଟିରେ 22 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କଳଙ୍କ ମଥାରୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। 147 ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ବସ୍ତାନି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 79 ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି, ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ବିଜୁଳି ବତୀ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ନଗଡ଼ାର ରୂପ ବଦଳିଛି, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା, ନଗଡ଼ାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେନକୋଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟଲି RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ BDOଙ୍କୁ ସୁକିନ୍ଦା BDOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସାନିଟାରୀ ୱେଲ୍ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ବେସ୍ଡ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଗାର୍ଜୁନ NCC କରୁଛି। ରାସ୍ତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ପାଣି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲାନି, ତାର ଝୁଲିଲା ହେଲେ ଦୂର ହେଲାନି ଅନ୍ଧାର। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧୁରା ହେବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଗଡ଼ାରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଲରେ ତଳି ରୋଇବା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସଫେଇ କରୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଂଘ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ବିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ News18India.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /News18India, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @News18India ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ /News18India। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।